स्टार्टिंग से हमको प्रोसेस बताओ। हाँ तो गए वहाँ पर बैठे, हाँ 9:30 अलाउंस होने लगा। 9:30 अलाउंस हुआ तो बोला कि चेक लिस्ट जो है विद्यार्थी अपना अपना जो है भर ऊपर वाला पेज, ठीक। उसके बाद जो है बायोमेट्रिक में बोला सब कुछ भरने के बाद उसमें साइन सिग्नेचर और थंब नहीं डालना है। अच्छा हाँ। वो काउंसलिंग हॉल में डलवाएंगे आप ऑफिसर के सामने, ठीक है ठीक। और इसके बाद जो है वो रैंक कार्ड लेकर गए, वो अथी हुआ अटेंडेंस बनवाए। अटेंडेंस बनाने के बाद दूसरे लाइन में खड़ा किया, फिर जो है वो कुछ देर के बाद 5 मिनट के बाद ले गया काउंसलिंग होम। वहाँ पर जो है फोटो लिया, वो जो है वो जो हार्ड कॉपी जो है अप्लाई करते समय जो निकाले थे उसमें डिक्लेरेशन लिखना था। अच्छा, तो अपने से लिखा तुम? हाँ हाँ, अपने से लिखे, जो परीक्षा में लिखे थे उसको और इसको। अच्छा। फर्स्ट टाइम उसको मिलाया। अच्छा। मिला करके जो है वो जो हार्ड कॉपी था उसका वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ और फोटो खींचा, ठीक। उसके बाद उस टेबल से जो है एक कॉपी जो है बोर्ड बीसीसी बोर्ड और फाइल में डाल करके हार्ड कॉपी को वो आगे बेंच पर भेज दिया। अच्छा। आगे भेजने के बाद वहाँ पर गए तो थंब लिया, थंब लिया। थंब देने के बावजूद जो है वो एग्जाम वाला वो फोटो आ गया हमारा वहाँ पर। अच्छा हाँ। वो वेरीफाई कर लिए। इसके बाद जो है आगे वाला आगे कुर्सी पर आगे कागज को जो है डॉक्यूमेंट को बढ़ा दिया। आगे बढ़ाने के बाद अगला प्रोसेस हुआ, अगला प्रोसेस जो है वो डॉक्यूमेंट जो है हाँ पूरा जो है डॉक्यूमेंट चेक किया ओरिजिनल। अच्छा। ओरिजिनल को तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट ओरिजिनल ले गया था और बारीकी रूप से बताना स्टार्टिंग से क्या क्या चेक किया पूरा टोटल। ओरिजिनल में था सर मैट्रिक का प्रथम में डालना है मार्क एडमिट कार्ड, हाँ। दूसरा नंबर में मार्कशीट, तीसरा नंबर में सर्टिफिकेट। तो और इसके बाद हम इंटर का डाले थे तो इंटर का जो है ना नहीं लिया, इंटर को वापस कर दिया। अच्छा ठीक है सर, इंटर का वापस कर दिया। इसके बाद डिप्लोमा का सर्टिफिकेट था। इसके बाद फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फाइव सिक्स इस प्रकार जो है सेमेस्टर मार्कशीट था। बारीकी से बहुत गहरे तरीके से उसको जो है चेक किए सर, एक एक करके चेक किए हैं पूरा नाम छऊ जितना भी डॉक्यूमेंट था पूरा नाम पहले चेक किया, बाप का नाम माता का नाम, ठीक। एड्रेस, रोल कोड, रोल नंबर, जन्मतिथि, ठीक। जन्मतिथि इसके बाद जो है आगे वाला बेंच पे तब वो जो है वो जो है वो आगे उसमें फाइल में डाल करके आगे बेंच पे भेज दिया उसको। बेंच पे जो है आधार कार्ड भी मांगा था क्या? नहीं, आधार कार्ड कुछ नहीं मांगा है सर, ओरिजिनल नहीं मांगा, नहीं फोटो को। अच्छा, और फोटो कितना ले रहा था? फोटो 5 पीस। अच्छा 5 पीस, चलो ठीक। एक हार्ड कॉपी पे चिपकाना था। अच्छा, 4 गो और था। 4 गो जो है वो जो है लास्ट में जो काउंसलिंग हो गया। अच्छा, तब लिया लास्ट में, ठीक। इसके बाद जो है अगला बेंच पे दिया तो सिर्फ आवासीय चेक किया है। अच्छा, आवासीय। अच्छा ठीक, आवासीय चेक करने के बाद आगे वाला बेंच पे दिया तो वो चेक किए नॉन क्रीम लियर और ईबीसी, ठीक। वहाँ चेक करने के बाद आगे वाला बेंच पे गया, आगे वाला बेंच पे चेक करना था उसको कि इतना जो चेक किया है बेंच इसमें क्या क्या इसका त्रुटि देखा है। अच्छा, हाँ। क्योंकि जो जो देख रहा था सो लिख रहा था यहाँ पर ईबीसी रेसिडेंटियल सर्टिफिकेट इस सब का लिख दे रहा था कि क्या प्रॉब्लम है या चाहे नहीं प्रॉब्लम है तो वेरीफाई कर दे रहा था। अच्छा, हाँ। साइन कर दे रहा था, वेरीफाई नहीं कुछ साइन कर रहा था सर। अच्छा, हाँ। जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहा है उसको सिर्फ साइन कर रहा था और कुछ नहीं लिख रहा था। अच्छा। जिसमें प्रॉब्लम था उसमें कुछ लिख रहा था कि फलना फलना चीज में प्रॉब्लम है, नो मैच हो रहा, जैसे नामे में प्रॉब्लम है तो नो मैच नाम, ठीक। इसके बाद जो है आगे वाला जो इसके बाद जो गया वहाँ पर तो वहाँ पर वो जितना डॉक्यूमेंट चेक हुआ था उस सब को चेक किए कि कहीं पर कोई प्रकार का जो है डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम नहीं ने लिखा है,
तो वो जो है वो देख रहा था, और देखने के बाद वो जो है ना लास्ट में वही जो है कर रहा था क्या कि पेंडिंग है या वेरीफाई करना है। अच्छा, वो कर रहा था लास्ट में, वही ऑफिसर कर रहे थे, क्योंकि ये जो चेक करके गया था ना इसमें लिख दे रहा था ना कहाँ पे क्या है, नहीं कहाँ पेंडिंग है, कहाँ ओके है, सब कुछ लिख करके दे रहा, वही मेन पास कर रहा था। वहाँ अगर पेंडिंग लिखा गया तो पेंडिंग है, वहाँ या तो वेरीफाई लिया, पूरा वेरीफाई नहीं, इसमें डॉक्यूमेंट में जैसे लिख दिया है कि नाम मिसमैच, अच्छा हाँ, रेसिडेंटियल नहीं है, नॉन क्रिमिनल नहीं है, तो वहाँ पर इस कंडीशन में वो पेंडिंग में डाल रहा था। वहाँ पे फिर सबसे लास्ट में जाकर वो वेरीफाई कर देते थे, या तो जो भी लिखा था उसके अनुसार वो पेंडिंग में लिख देते थे, यही ना। हाँ, कोई भी प्रकार का दिक्कत है ना, कोई भी प्रकार का दिक्कत है तो पेंडिंग करेंगे, पेंडिंग पूरा, चाहे आपका नाम मिसमैच हो, चाहे आप। अच्छा, मान लो किसी का, मान लो किसी का टेंथ में फादर्स नेम ठीक है, ठीक है, इंटरव्यू में ठीक है, लेकिन डिप्लोमा में ना जैसे लास्ट में कोई वर्ड होता है ना छूट गया है, या आई की जगह वाई हो गया, तो उसको भी पेंडिंग कर देता था क्या? उसका कंफर्म पेंडिंग होगा सर, कंफर्म 100% गारंटी है, क्योंकि एक इसी प्रकार का लड़का था, उसका पेंडिंग कर दिया। एफिडेविट कराने के बाद नहीं होगा, क्योंकि उसका हो सकता है कुछ नहीं, एफिडेविट का कुछ भी वैल्यू नहीं है यहाँ सर। एफिडेविट का कुछ वैल्यू नहीं कर रहा है, एफिडेविट लगाया था लड़का वो। अच्छा, उसको मतलब अगर हल्का भी प्रॉब्लम है टेंथ और किसी भी चीज में नाम में पूरा जितना भी डॉक्यूमेंट है, तो उसको पूरा पेंडिंग कर देता, उसका टाइम देता था, नहीं देता था टाइम? टाइम देता था, 7 दिन में आप जमा कीजिए, 7 दिन में उसको पूरा जमा कीजिए, यही ना? हाँ, 7 दिन में जमा कीजिए। इसके बाद जो है अगला दिन वो तो वेरीफाई कर दिया, अगला दिन से जो है लास्ट अटेंडेंस बनता था, लास्ट अटेंडेंस बना ठीक। इसके बाद अगला बेंच से जाता था तो वो करता था क्या, कंप्यूटर वाला के पास चल जाता था आगे, वो करता था जो जैसे पेंडिंग लिखा है उसका रोल को, रोल नंबर आप फोन साइड पे डालते थे, वो वहीं जाने वो जो है हार्ड कॉपी वो निकालते थे। अच्छा ठीक, और वो वेरीफाई है तो एक कॉपी में वेरीफाई करके निकाल देते थे, अगर पेंडिंग है तो पेंडिंग वाले को 3 हार्ड कॉपी निकालता था। ठीक है, उसी फाइल में दे करके आगे वाला बेंच पे देता था। वो देने के बाद जो है अगला बेंच पर जाने के बाद जो है वो वहाँ पर लिखवाता था जो ऑल, आप लिखिए यहाँ पर ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रिसीव्ड, ठीक है सर? अच्छा हाँ, सुन गए, ऑल डॉक्यूमेंट ओरिजिनल रिसीव्ड, वहाँ लिखने के बाद जो है वहाँ पर साइन और डेट मारना था, और वहाँ कहता था कि 4 गो फोटो दो, 4 गो फोटो वहाँ पर दे दिए, इसके बाद जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वो दे देता था। ठीक है, आपका काउंसलिंग हो गया। तुम लोगों को कोई रिसीविंग नहीं मिल रहा था? नहीं सर, रिसीविंग नहीं मिल रहा था, यही तो जादू है सर। हाँ, यही तो जादू किया है बी सी से। क्यों अब ये रिसीविंग क्यों, ये तो एक तो रिसीविंग होना चाहिए कि हाँ मेरे वेरीफाई हो गया है। अब पता नहीं सर क्यों नहीं दे रहा था रिसीविंग, हो सकता है उसमें कोई सब कुछ अपडेट कर देता था ना तुम्हारा ऑनलाइन टोटल चीज, टोटल चीज आप देख वहाँ पर देखते थे किसको क्या कर रहा है, कोई चोरी छुप के नहीं हो रहा था। अच्छा, फिर तब कोई दिक्कत नहीं है, तब कोई डीवी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, खाली अगर तुम्हारा सब कुछ ऑनलाइन जितना भी अपडेट कर रहा था, ये जितना भी डॉक्यूमेंट है सब डॉक्यूमेंट दे दिया है, टोटल जो जितना भी वेरीफाई कर दिया, फिर उसके बाद गया उसका प्रिंट आउट निकाल करके फिर दूसरे को दे रहा है, वो टोटल अगर पूरा वेरीफाई कर रहा और उसको बारीकी रूप से कर रहा और ऑनलाइन उसको चढ़ा रहा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं भी देगा हाथ तुम लोग को दिया कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए सर, जिसको रिमार्क लिख रहा है ना, हाँ, उसको 7 दिन का टाइम दे रहा है। हाँ ठीक है सर, अगर 7 दिन में वो जमा कर दिया है तो उसका पेंडिंग हट जाएगा सर, वो बोला है सर। अच्छा, कि कोई भी विद्यार्थी का पेंडिंग लिख रहा है तो आप टेंशन मत लीजिए, अगर पेंडिंग लिखा गया ठीक, उसके बावजूद आप देते हैं जो डॉक्यूमेंट लिखा के लिए पेंडिंग लिखा है उसके बाद देते हैं, तो फिर भी नहीं उसका पेंडिंग सुधरेगा तभी। क्यों? क्योंकि वो जो है सर बोल रहे थे कि इसके मतलब हुआ कि आप जो है ये कॉपी जो हार्ड कॉपी आप दिए हो ये फिर दूसरे जिस बेंच जो बेंच लिखा है डॉट रेसिडेंट नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है,
उस बेंच पे फिर नहीं वापस होगा, आप कल दीजिएगा या चाहे रात में शाम में दीजिएगा, ठीक, यहाँ पर नहीं। हाँ। जो एक बता रहे थे कि तीसरा फ्लोर पर जो है दे देना है। हाँ। ठीक, वहाँ पर जाकर के जमा कर देना है, आपका पेंडिंग हट जाएगा। ऐसा होता है कि पेंडिंग हट जाता है कि नहीं हटता है? हटता है सर, अगर पेंडिंग अगर जेन्युइन है तो उसका पेंडिंग हट जाएगा, यही ना? हाँ सर, वो कन्फर्म है कि हट जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, इसमें दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, तब टोटल प्रोसेस तुम बता दिया, अच्छा।